फ्रेंड्स, मैसेल डॉक्टर महेश पटेल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट पटेल स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक लेजर क्लिनिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर सूरत। आज मैं आपको हेयर में जो हम केमिकल कलर यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट रहते हैं और उसकी स्किन में और हेयर में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकती है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। केमिकल हेयर कलर में कौन से इंग्रेडिएंट रहते हैं, उसमें एमोनिया रहता है, पीपीडी रहता है, पीटीडी रहता है, रिसोर्सिनोल रहता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है और हैवी मेटल्स रहती है। उसकी वजह से काफ़ी लोगों को उसके बालों में, स्किन में रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी हम वो देखेंगे कि ये इंग्रेडिएंट्स से स्किन में और हेयर में क्या रिएक्शन हो सकते हैं। अभी ये केमिकल की वजह से जो भी हमारे बाल है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, वो केराटिन और सिस्टीन, वो सब अमीनो एसिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो केमिकल हेयर कलर क्या करता है, जो हेयर कलर है हमारे ऊपर के जो हेयर का लेयर होता है क्यूटिकल, उसमें जाके फिर अंदर कॉर्टेक्स तक जाता है, फिर वहाँ पे जो हेयर को डैमेज करता है ताकि बाल हमारे ब्रिटल और फ्रीजी और टुकड़े टुकड़े होकर वो बाल गिरने लगते हैं। और कभी क्या होता है कि लंबे टाइम तक वो यूज़ करने की वजह से क्या होता है, हमारा जो स्काल्प है उसमें इरिटेशन होने लगता है, उसमें लालास हो जाता है और कभी कभी फुंसी होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये चीज़ बालों में लंबे टाइम तक यूज़ करने के वजह से ये सब रहता है साइड इफ़ेक्ट। अभी देखते हैं ये कलर का अपने स्किन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। स्किन में क्या होता है, कभी कभी ये जो हेयर कलर है वो हमारे फोरहेड पे आता है तो फोरहेड पे स्वेलिंग हो जाता है, कभी कभी हमारी आईलिड है उसके ऊपर भी ये कलर आता है तो वहाँ पे भी स्वेलिंग हो जाता है और पूरे चीक दोनों साइड के जो भी चीक है वहाँ पे भी सूजन आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि ये कलर की एलर्जी की वजह से हमको एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है, उसमें क्या होता है खुजली आ जाती है, स्किन में सूजन आ जाती है, स्किन लालास हो जाती है, वैसा रहता है। और दूसरा, ये केमिकल जो कलर है वो हमारे स्किन पे लगता है और उसके बाद हम जब धूप में निकलते हैं तो धूप की इफेक्ट की वजह से उसमें क्या होता है, फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस रहता है। वो इसमें क्या होता है कि जो कलर है और साथ में सनलाइट दोनों का रिएक्शन होता है और जो स्किन में उसकी इफेक्ट आती है उसको फोटो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमको कभी कभी दूसरे कोई डिजीज रहते हैं, जैसे कि हमारे में एक लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस नाम का एक रोग होता है, उसमें क्या होता है स्किन हमारी वैसे भी काली हो जाती है और उसमें खुजली होती है, तो वैसे पेशेंटों में क्या होता है ये कलर केमिकल वो बार बार छूता है तो उसमें भी जो पुराने जो भी डिजीज़ है उसमें भी एग्रेवेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब हमारे केमिकल कलर यूज़ करने की वजह से होता है। तो क्या करना है, वैसे सेंसिटिव लोग हैं और आप पहली बार जो कलर करने जा रहे हो तो वैसे क्या करना है, उसमें आपको एक पैच टेस्ट करना है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि आपको एलर्जी है कि नहीं है। तो ये पैच टेस्ट में करते क्या है, हम करते हैं जो केमिकल कलर है उसको हम कॉटन या ईयरबड से अपने कान के पीछे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में हम लगाते हैं। लगाने के बाद उसको 24 to 48 आवर तक छोड़ देते हैं और 48 आवर के बाद हम वहाँ पे देखते हैं, अगर वहाँ पे कहीं सूजन है, लालास हो गया है और रेडनेस और या स्वेलिंग हुआ है तो वैसे पेशेंट को डाई की एलर्जी है तो वैसे पेशेंट को ये डाई यूज़ नहीं करनी है। अगर फिर भी वो डाई यूज़ करना चाहता है तो उसका जो कॉन्टेक्ट पीरियड है उसको कम करना है और वैसे ही कलर करने के तुरंत उसको कोई भी जो माइल्ड टॉपिकल स्टीरॉइड का सॉल्यूशन आता है वो लगाना चाहिए ताकि बाल में जो भी खुजली होती है, इरिटेशन होता है स्काल्प में, वो सब कम हो जाता है। और ऐसे पेशेंट को जो भी नेचुरल कलर रहते हैं जिसमें नेचुरल सब प्लांट के इंग्रेडिएंट रहते हैं वैसे कलर यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे ग्रुप में भी ये वीडियो को फॉरवर्ड करें। मैं अभी मेरा अगला वीडियो है वो नेचुरल हेयर कलर में क्या क्या चीज़ होती है, वो कैसे आपको लगाना है, कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में बनाऊँगा और आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।